Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Arshu Khan, and in this video, I'm going to talk about SDA Balcony Asia Center. Yeah, I know, you was requesting this video and here I am if you're watching this. Asia Center, what that means. Yeah, SDA Balcony Italy ka college hai jo ki 1971 mein establish hua tha. Wahan ke top MBA colleges ke andar aata hai, bahut hi khoobsurat. I mean, it's like marvelous beauty, वैसा campus है इटली के अंदर. इन्होंने अपना recently एशिया में एक center किया है, which is in Mumbai, पोवाई के अंदर. मुंबई महाराष्ट्र जो कि सपनों की नगरी है, सोती नहीं है, कोविड के चक्कर में सो रही है, but you know, काफ़ी ब्यूटिफुल सिटी है, वहाँ पर located है. 2012 का establish है, ऑलमोस्ट ये 8वां 9वां साल है इस कॉलेज का. फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है. जब फ़ी स्ट्रक्चर ज़्यादा है तो इसीलिए स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि एडमिशन लूँ या नहीं लूँ, और प्रोफाइल बेसिस है सिलेक्शन दे रहा है. तो वो सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगी. पर मैं फिर आपको यही बोलूँ, कोई कॉलेज अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, वो तुम्हारी प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा. हो सकता है तुम्हें लगे यार आप हर वीडियो में यही बकलोली करते रहते हो, पर ये रियलिटी है, राइट? जैसे कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम अपनी फ्रेंड के हिसाब से कपड़े नहीं देते ना. एवरीबडी हैव देयर ओन पर्सनैलिटी, ओन टेस्ट, राइट? द सेम वे आप ROI देख रहे हो, आप एक्सपोजर देख रहे हो, आप फैकल्टीज देख रहे हो. वॉट इज योर टेस्ट, वॉट इज योर प्रोफाइल, वॉट इज योर अकेडमिक्स, दैट इज समथिंग वॉट मैटर्स. सो लेट मी जस्ट टेक यू टू द कोर्स विच इज इंटरनेशनल मास्टर्स इन बिजनेस. मैं एक और चीज भूल गई, अंबा का अक्रेडिटेशन है, ASCSB का अक्रेडिटेशन है इस कॉलेज के पास. इंटरनेशनल मास्टर्स इन बिजनेस कराता है जिसका फीस स्ट्रक्चर 18.5 लाख है. उसके अलावा इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव मास्टर्स इन बिजनेस भी कराता है जिसका फीस स्ट्रक्चर 15.5 लाख है. अपार्ट फ्रॉम इट, एग्जीक्यूटिव ग्लोबल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन कराता है जिसका फीस स्ट्रक्चर भी जो है 18 लाख है, जिसमें 4 महीने के लिए आप जाते हो इटली जो मेन कैंपस है वहाँ पे पढ़ने, मतलब इंटरनेशनल एक्सपोजर. अभी रिसेंटली एक वीडियो आपने देखा होगा जहाँ पे मैंने कॉलेजेस ऑफरिंग इंटरनेशनल एक्सपोजर पे बनाया, अगर नहीं देखा है तो जाके इसके बाद वो भी देख लेना, पर इसको पहले पूरा कंप्लीट होने दो. अब जब आप 4 महीने के लिए वहाँ जाते हो तो वहाँ पे फीस आपको अलग से पे नहीं करनी है, बट आपको ट्रैवल, आपको वहाँ का अकोमोडेशन, वहाँ का फूड, ये सब खुद बेयर करना है. तो ये एक लमसम कॉस्टिंग जाएगी जो तुम्हें देखनी है. तुम्हारे पिताजी की जेब कितनी बड़ी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज यस, कॉस्टली कॉलेज है. सो जब हम कॉलेज की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस बेस्ड ऑन कैट, NMAT, GMAT, GRE, आपको इनका एप्लीकेशन फिल करना है, देन यू गो फॉर द पर्सनल इंटरव्यू. कुछ नहीं दिया है तो बॉकनी टेस्ट होता है, अकेडमिक्स देखा जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज देखी जाती है, कॉम स्किल्स देखी जाती है और सिलेक्शन हो जाता है. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. एंड ये मैं इस बेसिस पे नहीं कह रही हूँ कि मेरी जिन स्टूडेंट से बात करी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे मैंने बात की है जिनका एडमिशन हुआ है, तो उस बेसिस पर मैं कह रही हूँ. कई सारे कॉलेजेस के एप्लीकेशन यू कैन गेट डिस्काउंटेड प्राइस, फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर तुम जानना चाहते हो तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से तुम्हारे लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए कौन सा कॉलेज एकदम सटीक बैठेगा, तो तुम्हें बिल्कुल चिंता चमन नहीं करना है. तुम्हें नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको जाके फिल करना है. एंड यू सॉर्टेड यार, वील गिव यू कॉल, वील गाइड यू दैट हाउ टू चूज राइट दी स्कूल वाइसली. आई ट्राई माई बेस्ट, या सो दैट इज द एडमिशन प्रोसेस. एंड यस, एडमिशन प्रोसेस. नाउ कमिंग बैक टू द एक्सपोजर, ब्यूटिफुल कैंपस, इंटरनेशनल फैकल्टीज, एक्सपोजर इज गुड, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज गुड, क्लब्स, इवेंट्स, ऑल सॉर्टेड. तो उस पर मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरा ऑप्शन है, पर अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो यार प्लेसमेंट में जो कॉलेज ने प्लेसमेंट क्लेम किया है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम रियलिटी चेक पे भी आएंगे. मुझे, मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्लेसमेंट फ्लक्चुएट करेगा थोड़ा सा, पर अगर आप एक्सपोजर वाइज देख रहे हो तो आप देख सकते हो ROI आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. क्योंकि पहले अगर हम, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, इंजीनियरिंग 58%, स्टूडेंट कॉमर्स 17%, मैनेजमेंट 9%, अदर्स 16%, एक्सपीरियंस एवरेज 1.3 ईयर्स, फ्रेशर्स 35%, 6 से 24 महीने वाले बच्चे 42%, अब 24 मंथ्स 23%. नाउ यू कैन ऑल्सो सी समीर मेहता, यू नो 2019 पास आउट है, मैन पावर ग्रुप के साथ काम करते हैं, दे हैव मेंशन देयर रिव्यू. नाउ कमिंग टू प्लेसमेंट, अगर आप ये स्लाइड देख पा रहे हो, 11,08,000 एवरेज पैकेज क्लेम कर रहे हैं, 80,000, 8,000 थोड़ा सा शक हो गए. हाइएस्ट पैकेज 19.8 लैक्स,
कंपनीज वर सारे कॉलेजेस यही मेंशन करते हैं, ई-कॉमर्स, रिटेल, डिजिटल मार्केटिंग, मुझे लगता है सारे कॉलेजेस कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज फ्लक्चुएट हो रहा है। सेल्स एंड मार्केटिंग में मैनेजमेंट ट्रेनिंग, बी टू बी सेल्स, आप देख सकते हैं साइड में उन्होंने मेंशन कर रखा है एरिया सेल्स मैनेजर, बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं। ऑपरेशंस में मेंशन कर रखा है, देन कंपनीज में बिग बास्केट, बीबा, बॉश एंड लॉम, मॉलकॉम, नेटिव, नेटकॉर, नाइन, नोमूरा, ये सारी कंपनीज दे हैव मेंशन। नाउ इन्होंने अपने ग्लोबल स्टैंडिंग के बारे में बताया है, 5 स्कूल्स हैं, 14,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 280 प्लस पार्टनर स्कूल वर्ल्ड वाइड है, ACSB का अक्रेडिटेशन है, यूरोपियन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट सिस्टम का भी अक्रेडिटेशन है और अम्बा का भी है। सो दैट्स इट अबाउट द प्लेसमेंट। अब ये तुमने प्लेसमेंट तो देख लिया, अब सवाल है कितना फ्लक्चुएशन है, तो किसी भी कॉलेज में 1.5-2 लाख तो आप कर ही सकते हो। ROI एक दूसरी चीज़ है जो आपको देखनी है, मैं फिर वही कहती हूँ प्रोफाइल प्रोफाइल एंड प्रोफाइल। और तुम कहोगे आप कितना प्रोफाइल कहती हो यार, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लोन लेके जाएंगे, जिनको अपने घर को देखना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना लोन लेके जाने के बाद अगर ROI नहीं मिला तो कुछ चुकाना तुमको है, तो फिर तुम्हें लगेगा कि यार क्या किया मैंने। अगर तुम दूसरी कैटेगरी में हो जहाँ पे तुम्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, बिकॉज यू नो व्हाट मैटर इज एजुकेशन, राइट, 5 साल 6 साल 10 साल लगे पर मुझे क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, तो तुम्हारे लिए सॉर्टेड है, तुम देख सकते हो। इसके अलावा कौन कौन सी कॉलेजेस, एक और वीडियो बनाया है, नहीं वो वीडियो देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, सॉर्टेड लाइव है, नीचे प्रोफाइल है, नीचे फॉर्म दिया है, फिल करो, बात करो, डिस्कस करो एंड डिसाइड करो यार, दैट व्हाट आई एम सेइंग। सो दिस वाज अबाउट SDA बॉकनी। आई होप तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल नहीं बचा हो, बचा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगी उस पर वीडियो बनाने की। अपार्ट फ्रॉम दिस, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन एंड टिल देन, फॉर मोर सच वीडियो लाइक दिस कीप वॉचिंग माई चैनल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।